नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा काम धाम कुछ नहीं करता था, सदैव दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ काम धंधा करो जिससे हमारा घर चल सके, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होता। तब वह लड़का गांव के सेठ के पास गया और काम मांगने लगा। तब सेठ ने उसे पशु चराने का काम दे दिया। अब वह सेठ जी के पशु चराने लगा। एक दिन पशु चराते चराते वो नदी के घाट पर गया तो उसने देखा कि वहाँ कुछ स्त्रियाँ दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनके पास एक घड़ा अधिक था तो एक स्त्री ने लड़के से कहा, हम सभी दशा माता की पूजा करने के लिए उनके घड़े ले रहे हैं, हमारे पास एक घड़ा ज्यादा है, क्या तुम ये घड़ा लोगे? लड़का बोला, ठीक है दे दो। यह सुनकर उस महिला ने लड़के को वो घड़ा दे दिया और कहा, इसे घर ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे, हम तुम्हें पूजा की सामग्री भी दे रहे हैं, ये भी अपनी माँ को दे देना। लड़के ने गढ़ा और पूजा का सामान ले लिया और घर ले जाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ पूछने लगी, ये सब तू कहाँ से लाया है? लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, उसी दिन से उसने दशा माता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। 9 दिनों तक कथा कहानी करी। 10वें दिन उसने घड़े की पूजा की तैयारी करी और अपने घर को लीपने लगी। उसी समय दशा माता एक वृद्ध महिला के रूप में उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गईं और पूछने लगी, क्या कर रही हो बहन? ब्राह्मणी बोली, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए घर लीप रही हूँ। तब दशा माता बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ब्राह्मणी बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी है, तुम्हें उसमें पानी दे दूं? दशा माता बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं दे दो। अब ब्राह्मणी अंदर पानी लेने गई। इतनी देर में दशा माता ने एक सोने का घड़ा उसके द्वार पर रखा और अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मणी कटोरी में पानी लेकर आई तो उसने सोने का घड़ा देखा। वो सोचने लगी, पानी पिए बिना ये बूढ़ी माई कहाँ चली गई और यह सोने का घड़ा यहाँ कैसे आ गया? लगता है ये उसी का घड़ा है, पता नहीं किसका घड़ा है, यदि किसी को पता चला तो मेरे चोरी का इल्जाम लगेगा, बुढ़ापे में मेरी इज्जत खराब होगी। इस चिंता से ब्राह्मणी हाथ में सोने का घड़ा लेकर उस बूढ़ी माई को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे उसका बेटा मिलता है तो पूछता है, माँ कहाँ जा रही हो, किसे ढूंढ रही हो? ब्राह्मणी ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। ब्राह्मणी का बेटा समझ गया कि यह जरूर दशा माता थी। वह बोला, माँ वह बूढ़ी माई और कोई नहीं, स्वयं दशा माता थी, उन्होंने अपना यह सोने का घड़ा तुम्हें दिया है, तुम पर दशा माता की कृपा हुई है। इसके बाद ब्राह्मणी नदी में नहाने चली गई। नदी में नहाकर जब वो आई तो नदी के किनारे सोने का एक और भरा हुआ घड़ा मिला और उत्तम वस्त्र मिले। ब्राह्मणी ने वह वस्त्र पहन लिए और अपने घर जाने लगी। तभी 4 आदमी वहाँ एक डोली लेकर आए और कहने लगे, ब्राह्मणी ये डोली तुम्हारे लिए आई है, तुम इसमें बैठकर चलो। ब्राह्मणी डोली में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। घर आकर देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है। घर के अंदर जाकर ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक दशा माता के घड़े की पूजा करी और अपने बेटे के विवाह का वरदान मांगा। कुछ ही समय बाद दशा माता की कृपा से ब्राह्मणी के बेटे का कुछ ही समय में विवाह हो गया और उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी अस्वस्थ रहने लगी तो उसने अपनी बहू को दशा माता की पूजा की सारी विधि बताई और उसे कहने लगी, तुम 9 दिनों तक दशा माता की पूजा अर्चना अवश्य करना और 10वें दिन महिलाओं को भोजन कराना। आज हमारे जो भी ठाट बाट है ये सभी दशा माता की कृपा से हुआ है।
कभी भी कोई भी वृद्ध महिला यदि द्वार पर आए तो उसे दशा माता मानकर उनका आदर सत्कार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। इसके बाद दशा माता वृद्ध महिला का रूप लेकर बहू के पास आई। दशा माता को देखते ही बहू उनके पैरों में गिर पड़ी। दशा माता बोली, मुझसे दूर रहो, मेरा मैल तुम्हारे वस्त्र खराब कर देगा। ये सुनकर बहू ने अपने पल्लू से माता के पैरों की धूल झाड़ी और कहने लगी, माता धन्य भाग उसके जिसको तुम्हारा मैल छू जाए। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे को दशा माता की गोद में रख दिया। बहू की ऐसी भक्ति देखकर दशा माता प्रसन्न हो गईं और बोली, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे, किसी भी तरह की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो तू इच्छा करेगी सो फल पाएगी। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय दशा माता।